बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार तेज़ी से आगे बढ़े अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो सबसे पहले टैक्स एग्जम्सन हो जाता है तो उद्योगपति बड़े बड़े जो उद्योग लगाने वाले हैं वो लोग आकर्षित होकर वहाँ उद्योग लगाएंगे जो तो शेयर कैपिटल होता है स्टेट का वो जो अभी सिक्सटी या फिफ्टी परसेंट को लगाना पड़ता है वो घट करके नाइन्टी परसेंट टेन परसेंट का हो जाता है दस परसेंट ये राज्य को लगाना पड़ता है नमस्कार आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ मैं हूं आपके साथ सौरभ राज देश का आम बजट अब सबके सामने है कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि नहीं इसमें गरीबों के लिए कुछ है न युवाओं के लिए कुछ है कुछ लोग इसे बेहतर बता रहे हैं मेरे साथ जदयू से जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद हैं इनसे जानेंगे कि आखिर इस बजट में बिहार के लिए क्या है युवाओं के लिए क्या है किसानों के लिए क्या है अब बजट को कैसे देखते हैं सर देखिए बजट तो बहुत ही उपयोगी है जी। और ख़ास करके हम तो यह कहें कि जैविक खेती का जो प्रोविज़न किया गया है उससे हमको लगता है बिहार को काफ़ी लाभ मिलेगा बिहार के कृषकों को भी लाभ मिलेगा और बिहार को भी लाभ मिलेगा दूसरा है कि छात्रों को जो सुविधा प्रदान किया गया है बजट में वह भी बहुत ही सराहनीय है इसके अलावा युवाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो भारत सरकार ने प्रयास किया है बढ़ाने के लिए उसके बढ़ने से बिहार के नौजवानों को चाहे देश के नौजवानों को कहीं न कहीं रोजगारपरक काम करने में सुविधा प्रदान होगा और इस तरह से हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बजट को और वित्त मंत्री अरविया रमण जी इसको प्रोड्यूस किए हैं पार्लियामेंट में हम लोगों लो ने जो देखा उसको देखने से यह लगता है कि निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने के लिए और जो पिछड़ा राज्य है उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि चूँकि बिहार से हम आते हैं और हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश राहु का सोच है और उनका प्रयास है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार तेज़ी से आगे बढ़ेगा हम लोग इस बात को लेकर के काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि चूँकि जो देश जो प्रदेश विकसित नहीं हुआ है उसको तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना बहुत जरूरी है उससे उसमें जो फायदा है वो हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि देखिए अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो सबसे पहले टैक्स एग्जम्सन हो जाता है तो उद्योगपति बड़े बड़े जो उद्योग लगाने वाले हैं वो लोग आकर्षित होकर वहाँ उद्योग लगाएंगे इसके अलावा जो शेयर कैपिटल होता है स्टेट का वो जो अभी सिक्सटी या फिफ्टी परसेंट स्टेट को लगाना पड़ता है वो घट करके नाइन्टी परसेंट टेन परसेंट का रेशियो हो जाता है दस परसेंट ही राज्य को लगाना पड़ता है ये बहुत बड़ा योगदान होगा उद्योगों के स्थापना में और राज्य को के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर राम मांझी हो ये लोग कह रहे हैं कि इस बजट में युवाओं के लिए कुछ नहीं है किसानों के लिए कुछ नहीं है और खास करके बिहार के लिए भी कुछ नहीं है नहीं देखिए ऐसा कहना हम समझते हैं, हमारे समझ से ऐसा नहीं है जी और हम समझते हैं कि निश्चित रूप से लोगों को आगे बढ़ने का मौका इस बजट से मिलेगा एक और अलग सा प्रश्न है सर कि बिहार में जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के जो शिक्षकों से सहयोग मांगा गया है विपक्ष सवाल उठा रही कि शिक्षक अब पुलिस का काम करेंगे और पुलिस चोरी का काम करेगी अब देखिए ऐसा नहीं है उसका लोग अर्थ गलत तरह से निकाल रहे हैं जी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी चाहे हमारे बिहार सरकार के मंत्री लोग जो ये शिक्षक लोगों से सहयोग मांग रहे हैं इस सहयोग है जैसे जनरल आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उत्पाद विभाग के द्वारा यह आग्रह किया जा रहा है बराबर कि आप लोग हम लोगों को सूचित करें कि कहाँ इस तरह की धंधा चल रहा है और को, कौन लोग इसमें संलिप्त हैं और उनका नाम भी जो सूचना देने वाले होंगे उनका नाम प्रचारित नहीं होगा गुप्त रखा जाएगा जी। और उस पर कार्रवाई होगी जी। तो इसी क्रम में इसी कड़ी में शिक्षक ग्रंथ से भी जी। आग्रह किया गया है और एक सूचना उनको दिया गया है कि आप चूँकि गाँव में रहते हैं और गाँव से ले कर शहर तक सब जगह आप का क्षेत्र है आप सब जगह उपस्थित रहते हैं तो आपको सूचना अगर मिलता है तो आप सूचित करें उनको पकड़ने के लिए थोड़े कहा गया है कि आप उसको पकड़ करके ले आइए एक विपक्ष तो इसे राजनीतिक रंग दे रही है तो विपक्ष का तो काम ही है राजनीतिक रंग देना और उस समय जब शराबबंदी लागू हो रहा था तो उस समय खड़ा हो के शपथ भी ले रहे थे विपक्ष के लोग साथ भी दिए शराबबंदी के मुद्दे पर और अब उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत तेज़ी से इस पर बहुत कड़ाई से इस पर काम करना चाह रहे हैं और उसमें सहयोग चाह रहे हैं जी। जी। कि शिक्षक लोगों का भी सहयोग मिले जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धर पकड़ किया जा सके उस पर कंट्रोल किया जा सके चलिए शुक्रिया सर थैंक यू धन्यवाद